हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली में हम इसमें दो या तीन एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे इस वीडियो में, और थोड़ा सा तेजी से एग्जांपल्स देखेंगे सिंस हम दो एग्जांपल्स पहले देख चुके हैं। तो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास ट्यूरिंग मशीन को एज एन एडर यूज करना है, ठीक है। मतलब दो नंबर्स को हमें ऐड करना है एज यूजिंग अ ट्यूरिंग मशीन। फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। बट हम इसको डेसिमल्स में नहीं यूज कर सकते ट्यूरिंग मशीन में, हम क्या करेंगे इसको यूनरी में कन्वर्ट करेंगे। यूनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो सपोज मेरे पास यूनरी का सिंबल क्या है, ये सिंबल है, ठीक है। तो अगर मुझे यूनरी में 2 लिखना है तो बेसिकली ये चीज 2 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। 3 लिखना है तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को 3 बार इस सिंबल को यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली 5 लिखना है तो यूनरी में मुझे 5 वाले सिंबल को रिपीट करना पड़ेगा। यही तो यूनिटी कहता है, इससे तेज से पहले हमारे पास, ठीक है। अगर तुम्हें 2 लिखना है तो 2 बार लिख दो उसको, अगर 3 लिखना है तो 3 बार लिख दो, ठीक है। तो बेसिकली हमें कैसा यूनिटी एडिशन देखना है यूजिंग अ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको डिस्कशन को ट्यूरिंग मशीन की तरफ शिफ्ट करते हैं। एक टेप है ना, उस टेप पे पहले से हमारा इनपुट प्रेजेंट है। इनपुट क्या है कि सपोज 2 और 3 को ऐड करना है, ठीक है। तो इनपुट कुछ इस तरीके से दिया है ना, सपोज दिस इज नॉट ब्लैंक, 1 and then 1 so blank and that, ठीक है। तो ये basically जो 0 है ये एज सेपरेटर काम कर रहा है, ठीक है। मुझे कब, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा पहला नंबर कहां खत्म हो रहा है और मेरा दूसरा नंबर कहां खत्म हो रहा है, ठीक। तो ये जो 0 है ये एज सेपरेटर काम कर रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ठीक है। तो अगर नोटिस करो कि मुझे अगर इस टेप पोजीशन को, ठीक है, इस टेप पोजीशन को अगर मुझे क्या करना है, ये 2+3 है, मुझे इसका रिजल्ट अगर 5 दिखाना है तो मेरा फाइनली टेप कैसा होना चाहिए, ठीक है। मेरा फाइनली टेप कुछ ऐसा होना चाहिए, db देन 1 1 1 1 1 और उसके बाद ब्लैंक्स, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंक्स। तो अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो यहां पे 1 था, यहां पे 1 है, कोई बात नहीं, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, बिल्कुल। लेकिन जहां पे सेपरेटर था वहां पे 1 है, ठीक है। उसके बाद फर्दर जहां पे 1 था वहां पे 1 है, जहां पे 1 था वहां पे 1 है, लेकिन जहां पे लास्ट 1 था अब वहां पे 1 नहीं है बल्कि ब्लैंक है, ठीक है। तो दो चेंजेस तुम अगर देखो, ठीक है, दो चेंजेस कहां कहां पे आ रही है। पहले तो हमने क्या किया, 0 को 1 बना दिया, एंड देन हमने जो सबसे लास्ट वाला 1 था उसको हमने ब्लैंक बना दिया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक फटाक से ट्यूरिंग मशीन कंसिडर करते हैं, ठीक है, बराबर है। तो हम एक स्टेट में थे, अच्छा, जब भी हम ट्यूरिंग मशीन का पहला स्टेट लेंगे तो हमेशा मान के चलना हमारा इनपुट पॉइंटर इस पे था, ठीक है। अब अगर तुम नोटिस करो हमारा वर्क फ्लो क्या रहेगा, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा पहले तो 0 ढूंढना है, 0 ढूंढना है, 0 जैसे मिला 0 को हमें क्या बना देना है, 1 बना देना है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से राइट मूव करते जाए और हमें अपने ढूंढना है ब्लैंक ढूंढना है, ठीक है। जैसे हमें ब्लैंक दिखेगा हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट वाले 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इतना काम कर लेंगे हमारे पास हमारा आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से पहला 0 ढूंढेंगे, उस 0 को हम बंद करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम पहला ब्लैंक ढूंढेंगे और उसके लेफ्ट में जो 1 है उसको हम ब्लैंक बना देंगे। देखो इतना करने के बाद ये चीज सेट हो गई, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन देखते हैं हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बेसिकली हमें 0 ढूंढना है ना। तो अगर हमें कोई भी 1 दिखे तो हमें 1 ही रहने देना है ना, एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ब्लैंक, ठीक है। हमें जैसे ही 0 दिखा हमें उस 0 को 1 बनाना है और हमें राइट मूव करना है, ठीक है। ये स्टेट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमें रास्ते में जितने भी वंस दिखे, सिंस इस 0 के बाद भी वंस थे ना, तो अगर हमें रास्ते में और भी वंस दिखे तो हमें उसको 1 ही रहने देना है और हमें राइट मूव करते जाना है। हमें ढूंढना क्या है, हमें ब्लैंक ढूंढना है। तो जैसे ही हमें ब्लैंक मिला, ठीक है, हमें जैसे ब्लैंक मिला हमने उस ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया और हम लेफ्ट मूव कर गए, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट मूव करा तो हमें हमें क्या मिला था, ये वाला वन मिल गया था, ठीक है, ये ओरिजिनली वाला था, ठीक है। तो हमें ये वाला वन मिल गया, अब हम इस वाले वन को क्या कर देंगे, ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो अब तुम्हें देखो ये कह रहा था वन को वनी रहने दो और राइट मूव करते जाओ, साथ ही साथ हाँ तुम्हें ब्लैंक मिले, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो और
लेफ्ट मूव कर जाओ, ठीक है, इस वाली स्टेट के हिसाब से, एंड देन उसके बाद वन को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और राइट मूव करो, नहीं राइट में मूव करो, लेफ्ट मूव करो, ठीक है, वन को ब्लैंक में कन्वर्ट करो और लेफ्ट मूव कर दो, एंड देन फाइनली एक्सेप्टिंग स्टेट में आ जाओ। कह दो कि हमारे पास, हमने अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। अब देखो हो क्या रहा है, तुम फिर से यहाँ पे दो बनते, एक जीरो सेपरेटर है, यहाँ पे तीन बनते, ठीक है। तो पहला वाला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मेरा जितने नंबर ऑफ वन्स है उन सबको वन ही रहने दो, राइट मूव करते जाओ। तो मैंने इसको वन छोड़ दिया, इसको वन छोड़ दिया, मैं राइट मूव कर गया, जैसे मुझे जीरो मिला मैंने उसको वन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको चेंज करके वन में कन्वर्ट कर दिया, और कह रहा है राइट मूव करते जाओ, ठीक है, राइट मूव करते रहेंगे, कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ वन्स तुम्हें दिखे उनको वन ही रहने दो, ठीक है। तुम क्या ढूंढो, पहला ब्लैंक ढूंढो, जैसे मुझे पहला ब्लैंक मिला अब ये कह रहा है उसको ब्लैंक ही रहने दो और लेफ्ट मूव कर दो, ठीक है। तो मैं यहां पे आ गया। अब ये स्टेट में कह रही है कि अगर तुम्हें वन दिखे यहां पे तो उसको ब्लैंक बना दो और लेफ्ट मूव कर दो, जैसे तुम लेफ्ट मूव करोगे तो तुम अपने आउटपुट के आखिरी में होगे, ठीक है। तो हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे हमने छोड़ दिया, ठीक। तो ये हमारे पास एज एन एडर हो गया, एज एन एडर काम करता है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन एज ए सब्ट्रैक्टर भी काम कर सकता है, ठीक है, हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मोटिवेशन बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सपोज हमें 3 माइनस हमारे पास 2 करना है, ठीक है, 3 माइनस 2 करना है, तो हम करेंगे क्या, हमारे पास इनपुट कैसे दिया होगा, ये 3 है, ठीक है, एक जीरो सेपरेटर है, एंड देन यहां पे क्या है 2 है ना, तो 2 को कैसे लिखेंगे हम, 1 1, ठीक है। यहां पे क्या है, सारे के सारे ब्लैंक्स है ना, आगे भी क्या है ब्लैंक्स, ठीक है। तो हमें करना क्या है, 0 के राइट हैंड साइड में, ठीक है, जितने भी वंस है अगर हम इसको ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर दें, और हर एक इस ब्लैंक के करस्पॉन्डिंग यहां पे भी एक ब्लैंक बनाया, मतलब कुछ ऐसी चीज, इसको मैंने ब्लैंक बनाया, ठीक है। फिर मैं मूव किया, ठीक है, 0 के आगे गया और मैंने लास्ट वाले वन को ब्लैंक बना दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको ब्लैंक बनाया, ठीक है, फिर मैं राइट मूव किया और मैंने इस वाले वन को ब्लैंक बना दिया, ठीक। फिर मैं लेफ्ट पे आया, ठीक है, फिर मैं लेफ्ट पे आया है ना, और मैंने वेट एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम आएंगे लेफ्ट में आए, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इसको ब्लैंक बना दिया, ठीक है, ब्लैंक बनाया, उसके बाद हमने 0 क्रॉस किया। अगर 0 के बाद हमें सीधा सीधा ब्लैंक्स दिख गए, 1 नहीं लिखा, ठीक है, अगर हमें सीधा सीधा ब्लैंक्स दिख गए 1 नहीं लिखा, तो हम क्या कर देंगे, उस 0 को एक 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक बड़ी एग्जांपल देंगे, सपोज डिफरेंस है 4 माइनस 2 के, 4 माइनस 2 का, तो 1 2 3 4, और ये क्या है 2 है, और बीच में क्या है 0 है, इधर भी ब्लैंक्स है, इधर भी ब्लैंक्स है ना। पहले वन को हमने ब्लैंक बनाया, उसी करस्पॉन्डिंग हमने इस वाले को ब्लैंक बनाया, सेकंड वन को हमने ब्लैंक बनाया, उसी करस्पॉन्डिंग हमने इसको ब्लैक बनाया, फिर हमने इसको ब्लैक बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, लेकिन यहां पे सिर्फ 1 बच रहा है, तो हम क्या देखेंगे, क्या 0 के राइट साइड में कोई भी 1 प्रेजेंट है, सिर्फ 0 के राइट साइड में कोई 1 प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, 0 को 1 बना देंगे, तो फाइनली हमारे पास 2 1s आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सब्ट्रैक्टर भी काम कर सकता है हमारा ट्यूरिंग मशीन, एज अ यूनरी सब्ट्रैक्टर, ठीक है। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम देखेंगे, ये हमारे स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं है कुछ में, बट ये पूछा गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, और मैं तो कहूंगा कि इसको याद कर, मतलब याद मत करो, समझो ही, ठीक है, कि ट्यूरिंग मशीन ऐसा वंस कॉम्प्लीमेंट कब कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम सबको पता है वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर कोई बाइनरी नंबर ऐसे दे रखा है 110011, ठीक है, इस तरीके का बाइनरी नंबर दे रखा है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जितने भी वंस है उनको 0 में कन्वर्ट कर दो और जितने भी 0 से उनको 1s में कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली अगर मैं इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा 0 0 1 1 0 0, ठीक है। तो हमें ट्यूरिंग मशीन बनानी है जिसके एक पे ये रिजल्ट हो और फाइनली हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है।
तो हम एक क्रिप्टोग्राफी बनाते हैं, ठीक है, तो वर्क फ्लो क्या रहेगा, तुम्हें वन दिखे उसको जीरो में कन्वर्ट कर दो, तुम्हें जीरो दिखे उसको वन में कन्वर्ट कर दो, है ना, और कहां तक कब तक कन्वर्ट करना है, जब तक तुम्हें ब्लैंक ना मिले, जैसे ही तुम्हें ब्लैंक मिले बस तुम यहां पे होल्ड कर दो, जैसे ही तुम्हें ब्लैंक मिले तुम एक बार लेफ्ट हो जाना और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो अगर हम ट्यूरिंग मशीन बनाए, ट्यूरिंग मशीन कैसे बनेगी, इनिशियल स्टेट देते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेट मतलब यहां पे, तो अगर मुझे कोई वन दिखे तो मैं उसको जीरो बना दूं और राइट मूव कर जाऊं, है ना, है ना, फिर से मुझे वन मिला तो फिर से मैं उसको जीरो बनाऊंगा और मैं राइट मूव कर जाऊंगा, और अगर मुझे कोई जीरो मिले, ठीक है, बेसिकली अगर मुझे कोई जीरो मिले तो उसको मैं वन बना दूं और मैं राइट मूव कर जाऊंगा, ठीक है, तो इस वाले जीरो को मैं वन बना दूंगा, राइट मूव करूंगा, फिर इस वाले जीरो को मैं वन बना दूंगा, फिर राइट मूव करूंगा, और फिर इस वाले वन को मैं जीरो बना दूंगा, राइट मूव करूंगा, इस वाले वन को मैं जीरो बना दूंगा और राइट मूव करूंगा, ठीक है, फिर मुझे फाइनली दिखेगा ब्लैंक, ठीक है, जैसे मुझे ब्लैंक दिखे उस ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो एंड देन लेफ्ट मूव कर जाओ और स्ट्रिंग को फाइनल स्टेट में भेजो, ठीक है। हालांकि ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें फाइनल स्टेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट बेसिकली फाइनल मैं इसलिए बना रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको नॉट फाइनल भी बोल सकता हूं, ठीक है, लेकिन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनली रीड करना पड़ेगा टेबल, ठीक है, और हर थोड़े थोड़े समय बाद मुझे टेबल को रीड करके देखना पड़ेगा कि क्या मेरा फाइनल इनपुट आया है कि नहीं। लेकिन सिंस अगर मैं सपोज मैं ऐसी मशीन मतलब ट्यूरिंग मशीन बेसिकली कंसेप्ट होता है, ठीक है, उस पे बेस्ड हम लोग मशीन बनाते हैं, सपोज मैंने मैकेनिकल मशीन बनाई है ना, और मैंने उसकी फाइनल स्टेट पे एक बेल लगा दी, ठीक है, एक बेल लगा दी कि जैसे ही मेरी ट्यूरिंग मशीन उस स्टेट में एंटर करती है वो बेल बज जाए, है ना, और मुझे पता लग जाएगा कि मेरा आंसर डिस्प्ले हो चुका है, मैं आंसर मेरा टेप पे आ चुका है, अब मैं जाके देख लूंगा रादर देन बार बार उठ के चेक करने के लिए, तभी मैं हमेशा इसको भी मतलब इस तरीके की स्ट्रिंग्स में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कब कराते हैं हम स्ट्रिंग को, ठीक है, एक्सेप्टिंग स्टेट हम तब बनाते हैं जब हमें किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल ए की पावर ऑफ एन, बी की पावर ऑफ एन, सी की पावर ऑफ एन टाइप की स्ट्रिंग थी, तो हमें कुछ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराना है और कुछ स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कराना है, तो वहां पे एक्सेप्टिंग स्टेट का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बट ऐसे एग्जांपल्स में तुम चाहो तो उसको एक्सेप्टिंग स्टेट बनाओ या फिर ना बनाओ, बट मैं हमेशा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर है, ठीक है, मेरे को खुद को देखने में क्लियर है। तो ये हमारे पास छोटी सी ट्यूरिंग मशीन होगी, ठीक है, और ये क्या करेगी, वन्स कॉम्प्लीमेंट को टूस कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देगी, ठीक है। अच्छा, तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया है टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए, है ना, तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी नंबर का, हमें पता है टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर इज वन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, ठीक है, मतलब अगर मुझे इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, इसका वन्स कॉम्प्लीमेंट ले लूं और उसमें प्लस वन कर दूं, ठीक है, तो इसका वन्स कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 0011 00, इसमें क्या कर दूं, प्लस वन कर दूं, जैसे ही वन प्लस करेंगे देख जाएगा 101100, ठीक है, ये क्या आएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया, है ना। अच्छा, एक और नंबर देते हैं, ठीक है, जिसका मैं तुम्हें टूस कॉम्प्लीमेंट दिखाऊंगा, है ना, तो नंबर लेते हैं हम कुछ इस तरीके का 1 1 0 1 0 0, ठीक है, इस तरीके का नंबर लेते हैं। अब हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहले तो रेगुलर तरीके से इसका वन्स कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आ जाएगा 0 0 1 0 1 1, फिर इसमें प्लस वन कर दिया तो जैसे वन प्लस किया ये क्या आ जाएगा 0 0 1, दिस इज 1, नहीं एक सेकेंड होना, हाँ ये वन्स कॉम्प्लीमेंट था, हाँ ये आ जाएगा 0, ये 0, तो ये 1, ये 1 एंड 0 एंड 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया इस नंबर का, है ना, टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया इस नंबर का। अब मैं तुम्हें एक खास प्रॉपर्टी नोटिस करने को बोलता हूँ, ठीक है, नोटिस करना, अगर हमें किसी बाइनरी नंबर को अगर हमें उसके टूस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है तो कुछ मत करो, उसको रीड करो राइट हैंड साइड से, ठीक है, इस तरह से रीड करना चालू करो, अगर तुम्हें स्टार्टिंग में कोई भी जीरो मिले, ठीक है, तो कितने भी जीरोस मिले उनको जीरोस रहने दो, ठीक है, मतलब ये वाला जीरो था तो इसको मैंने जीरो रहने दिया, ये वाला जीरो था इसको जीरो रहने दिया, जैसे मुझे पहला वन मिला पहले वन को भी वन ही रहने दो और उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, तो उसके बाद भी देखो ये तीन नंबर्स हैं
जीरो का वन हो गया, वन का जीरो हो गया और वन का जीरो हो गया। तो ये टेक्निक होती है जिससे हम डायरेक्टली किसी भी बाइनरी नंबर को उसके टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम इसे करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन देख लेते हैं कि हम कैसे इस एमएलजी को प्रोसीड करते हैं। तो टूस कॉम्प्लीमेंट करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है। मेरा वर्क फ्लो क्या था फिर से देख लेते हैं हम लोग। 110100 राइट हैंड साइड से पहले स्ट्रिंग को रीड करना चालू करो, है ना। और जितने भी तुम्हें जीरोस मिले उनको जीरो रहने दो, पहले वन को वन ही रहने दो, उसके बाद के नंबर से कॉम्प्लीमेंट करो 100। ये क्या किया टू से कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन हम कैसे बनाते हैं इसकी, मैंने तुम्हें हमेशा से बताया है कि इनपुट हमेशा हमारे पास यहां से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले सिंस हमारी स्ट्रिंग में क्या है कि हमें इस तरह से रीड करना है, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने जो कंट्रोल है इस कंट्रोल को हम यहां पे लाएंगे, इस वाले जीरो पे लाएंगे। कैसे ला सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ला सकते हैं। इनिशियल स्टेट में स्टार्ट करो, जितने नंबर ऑफ वंस में वन रहने दो राइट मूव करो, जितने नंबर ऑफ जीरोस में जीरो रहने दो राइट मूव करते रहो, ठीक है। जैसे ही पहला ब्लैंक मिले ये वाला उसको ब्लैंक रहने दो एंड लेफ्ट मूव कर जाओ। नाउ दैट मींस अभी इसका मतलब क्या है, हम यहां तक पहुंच गए और इस वाले का मतलब ये है उसको ब्लैक ही रहने दो और यहां पे आ जाओ। तो अब मेरा फाइनली कंट्रोल यहां पे आ चुका है, ठीक है। यहां पे आने के बाद मेरा वर्क फ्लो क्या है कि अगर कोई जितने नंबर ऑफ जीरो मिलते हैं उनको जीरो रहने दो एंड कीप मूविंग लेफ्ट, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें पहला वन मिलता है, ठीक है, पहला वन उसको वन ही रहने दो और लेफ्ट मूव कर दो, और अब बची हुई जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। बची हुई डिजिट्स को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि वंस को जीरोस में चेंज करके लेफ्ट मूव करते रहो और जीरोस को वंस में चेंज करके लेफ्ट मूव करते रहो, ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हारे पास फाइनली क्या जाएगा, तुम एक ब्लैंक को एनकाउंटर कर जाओगे, इस वाले ब्लैंक को, ठीक है। तो जैसे तुम एक ब्लैंक को एनकाउंटर करो, ठीक है, उसको ब्लैंक रख दो और राइट मूव कर दो, तो इससे फाइनली उसके बाद एक्सेप्ट कर दो। तो इससे फाइनली तुम कहां पे एंटर होगे, तुम इस पोजीशन पे आ जाओगे, ठीक है। तुमने क्या किया, पहले तो इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके यहां तक पहुंचे, है ना, क्योंकि तुम्हें रीड कहां से करना था, राइट हैंड साइड से रीड करना था। तो हम यहां पे आ गए, हमने पहले मतलब जो एंडिंग जीरोस थे उनको जीरोस ही रहने देंगे, पहले वन को वन ही रहने देंगे, उतना काम हमारा यहां तक हो रहा है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंटिंग का सारा काम हो रहा है यहां से, ठीक है, ये सारा कॉम्प्लीमेंटिंग का काम कर रहा है। उसके बाद जैसे तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्लैंक मिल जाए उसको ब्लैंक ही रहने दो, ठीक है, और राइट मूव कर दो ताकि तुम यहां पे उसको छोड़ो अपने आउटपुट को, ठीक है, कंट्रोल। तो इस तरीके से तुम टूस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी बाइनरी नंबर को इन टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर तुम देखो यार, तो मैं अगर एप्लीकेशन वाइज बात करें तो हम लोगों ने भी काफी कुछ देख रखा है, ठीक है, काफी सारी चीजें देख रखी हैं। यही कॉमन टेक्निक्स हैं कि कैसे हम लोग ट्यूरिंग मशीन को बनाते हैं। अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि कोई भी अगर ट्यूरिंग मशीन आएगी एग्जाम में तो आप बना लोगे, ठीक है, क्योंकि हमने काफी एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हैं और अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हैं, वैराइटीज हमने कवर की है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी एग्जाम्पल में स्पेसिफिकली दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में उस एग्जाम्पल को डालो, ठीक है, और मैं तुम्हें फुल सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर तुम अपनी मेल डाल दोगे वहां पर तो मैं तुम्हें मेल पे पेज पे सॉल्व करके मेल कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इन सारे वीडियोस की मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब जो भी लेक्चर के नोट्स है तो मैं बनाना, ठीक है, सिंस इस टाइम का बोर्ड भी छोटा है। तो ज्यादा फोकस रखो कि क्या लिख रहा हूँ मैं, कैसे लिख रहा हूँ, और मैं जब बोलता हूँ ना तो प्लीज उसको ध्यान से सुनना कि मेरे दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा होता है कि जब मैं ये सारे मूव्स लिख रहा होता हूँ, ठीक है। तो जब भी तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि भाई उसने ये सोचा था। तो हम भी इस तरीके से सोचें देख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, इस तरीके से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे नोट्स तुम्हें हमारी कोलेट की वेबसाइट पर मिलेंगे, जिसका लिंक तुम्हें एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज नोट्स चेकआउट करना, ठीक है। और हाँ, नोट्स में काफी सारी चीजें मैं लिखूंगा क्योंकि लेक्चर में मैं नोटेशन बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वो नोटेशंस नोट्स में यूज करूंगा, मैं अलग से उसको स्पेसिफाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसके तुम नोट्स जरूर रेफर करना। थैंक्स।